एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें आज हम करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। आपने देखा होगा जो क्लोथ हम पहनते हैं, कपड़े जो हमें डाले होते हैं, वो फैब्रिक्स के बने होते हैं, धागों के बने होते हैं। फैब्रिक्स जो किसके बने होते हैं, फाइबर्स के। और जो फाइबर्स हमें जो धागे होते हैं वो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। नेचुरली भी हमें ये धागे मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी हमें ये मिलते हैं। तो क्या आप नेम बता सकते हो कुछ नेचुरल फाइबर्स के? फाइबर्स जो यूज़ होते हैं मेक करने के लिए लार्ज वैरायटी किसके हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइबर्स से बनी होती हैं। एक लिस्ट बनाइए कॉमन आर्टिकल की जो किस किस से बनी होती है, फाइबर से बनी होती है। वो सेपरेट कीजिए उनको कि उनमें से कौन सी नेचुरल फाइबर से बनी है और कौन सी आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है। उसके बाद आपने ये लिस्ट कहाँ पे बनानी है, एंट्रीज जो भी हैं वो आपने यहाँ पे टेबल 3.1 में लिखनी है। जैसे कि हम यहाँ पे पहला आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे कि आप साड़ी डालते हैं, ठीक है, साड़ी यूज़ करते हैं, तो साड़ी साकी किसकी बनी होती है, वो सिल्क की बनी होती है। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क इज ए नेचुरल, सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है। उसके बाद स्वेटर्स भी डालते हैं, तो स्वेटर आपका किसका बना होता है, वूल का, तो वूल भी आपका क्या हो गया, नेचुरल फाइबर। उसका स्कूल बैग्स देखे होंगे, जो दूसरे बैग्स देखे होंगे आपने, तो वो किसके बनते हैं, रेयान। जो रेयान होता है आपका, ये सिंथेटिक फाइबर्स है जो मैन मेड फाइबर्स बोल सकते हैं। उसके बाद एक काइरेट, ये भी एक क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर है। एक काइरेट इसके किस लिए यूज़ किया जाता है, इससे हम बनाते हैं सेल्स फॉर बोट, वो आपने देखी होगी नाव वो चलाने के लिए, दो जो स्टिक्स से बनी होती हैं वो उसी से बनती हैं। नेक्स्ट आप क्लॉथ ले लीजिए, जो भी करो, शर्ट ले लीजिए, जो किसकी बनी होती है, कॉटन की, तो कॉटन आपका क्या हो गया, नेचुरल फाइबर हो गया। अब यहाँ पर हमने स्टेबल में कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर बोला, क्यों बोला? आपने देखा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने रीड किया है, नेचुरल फाइबर्स जैसे होते हैं कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से या एनिमल्स से। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दूसरी साइड, वो किससे बने होते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उन्हें, इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। मीन्स जो हमें नेचुरली प्लांट्स से या एनिमल्स से मिल जाते हैं जो फाइबर्स, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, और जो फाइबर्स ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। तो यहीं से हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। तो आपको याद होगा, याद कीजिए, यूनिफॉर्म पैटर्न जब आप बनाते हो एक नेकलेस किसका, बीड्स का, मोती को यूज़ करके, जिसे आप ज्वाइन करते हैं थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से, या फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप पेपर क्लिप्स को जब ज्वाइन करते हो तो एक लंबी सी चेन बन जाती है, यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे आप देख रहे हो सिमिलरली जैसे जिस तरह से ये लॉन्ग चेन बन रही है, तो ऐसे ही सिमिलरिटी होती है इन सभी के, मतलब जो हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स उनमें भी एक चेन से बनती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या सिमिलरिटी थी, ये सभी मोतियों से बनी है, ये सभी किससे बनी है, पेपर क्लिप्स से बनी है। मीन्स देखिए सभी पेपर क्लिप्स की सिमिलरिटी है, यहाँ पर बीड्स की सिमिलरिटी है। उसी तरह जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी चेन होती है इन छोटे छोटे यूनिट्स की, जिनको ज्वाइन करके बनाया जाता है आपका सिंथेटिक फाइबर। हर एक यूनिट जो एक्चुअली होता क्या है, कोई केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे यहाँ पे हमने बीड्स का नेकलेस बनाया, वहाँ पे मोती थे, वो एक यूनिट सब्सटेंस था। जैसे पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करके हमने चेन से बनाई है, वहाँ पे पेपर क्लिप थी। अब इसी तरह हम जब सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो वो किसकी चेन्स को स्टार्ट जो मतलब यूज़ करके बनाते हैं, किसी केमिकल सब्सटेंस की। जो इट्स ऐसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हम एक सिंगल यूनिट बनाते हैं या चेन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी पॉलीमर की। ऐसे ही कुछ कोई स्मॉल यूनिट जिन्हें कंबाइन करके हम बनाते हैं एक सिंगल यूनिट, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। वर्ड पॉलीमर कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड पॉली से, पॉली का मतलब हो गया आपका मैन, और मर का मीनिंग होता है पार्ट आर यूनिट, मीन्स मैनी पार्ट आर यूनिट। पॉलीमर का पूरा मतलब क्या हो गया, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, मीन्स यूनिट को रिपीट कर करके एक चेन बनाई गई है। पॉलीमर आपके नेचुरली भी ओकर होते हैं, जैसे कॉटन आपका एग्जांपल है, वो एक पॉलीमर है जो किसका बनता है, सेलुलोज का। सेलुलोज किसके बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज के यूनिट का। ग्लूकोज के यूनिट को जब जोड़ा जाता है, ज्वाइन कर करके आपका क्या बन जाता है, सेलुलोज। तो नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कौन कौन से टाइप होते हैं सिंथेटिक फाइबर के,
फर्स्ट ऑफ ऑल रेयॉन, आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर था वो आपको ऑब्टेंड होता है सिल्क फॉर्म से, जो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, चाइना में। और इसको क्लोजली क्या रखा गया था उस टाइम पे, सीक्रेट रखा गया था बहुत लंबे टाइम तक। फैब्रिक जो ऑब्टेन बनता है सिल्क फाइबर से वो बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है। उसका ब्यूटीफुल जो टेक्सचर है वो हर किसी को अपनी साइड क्या करता है, आकर्षित करता है। इसीलिए अटेम्प्ट्स जो थे वो बना कोशिशें जारी रखी गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली भी क्या किया जाए, तैयार किया जाए सिल्क, ताकि मतलब कॉस्टली था, इतना महंगा था तो हर कोई इसको खरीद नहीं सकता था। तो इसीलिए अटेम्प्ट्स की कोशिशें की गई कि आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाए। तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए ओटेन करने में एक फाइबर जिसकी प्रॉपर्टी सेम किसकी तरह थी, सिल्क की तरह थी। ऐसा फाइबर जो ओटेन कैसे हुआ था, जब केमिकल ट्रीटमेंट मीन्स केमिकल रिएक्शंस की गई किसकी, वुड पल्प की, वुड के तने की, इस फाइबर्स को हम कहते हैं रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। याद रखिए कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है इसको क्या कहा जाता है, रेयॉन। ऑल्दो जो रेयॉन था वो ऑब्टेन कहाँ से हुआ, नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन हुआ है, वुड पल्प तो नेचुरल ही है, लेकिन क्योंकि ये मैन मेड फाइबर है तो इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। और ये चीपर और सस्ता होता है सिल्क से। उस जैसे सिल्क फाइबर को बुना जाता है, हम इसको भी बुन सकते हैं, इसको डाई किया जाता है, अलग अलग कलर में कर सकते हैं। रेयॉन जो है मिक्स होता है कॉटन के साथ, बेडशीट बनाने के लिए मिक्स होता है वूल के साथ, कारपेट बनाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, क्लॉथ बनाए हैं, बेडशीट बनाई है, कारपेट बनाया है यहाँ पे। ये आर्टिकल किसके बनाए गए हैं, रेयॉन के। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर है नायलन। नायलन एक अनदर मैन मेड फाइबर है। ये 1931 में ये मेड किया गया विदाउट यूजिंग कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें यूज़ नहीं किया गया, मीन्स ना ही प्लांट का यूज़ किया गया, ना ही एनिमल का यूज़ किया गया। तो ये किसका बनाया गया, ये बनाया गया कोल, वाटर और एयर को यूज़ करके। ये पहला से फुली सिंथेटिक फाइबर है, फुली सिंथेटिक। रेयर में तो वुड पल्प का यूज़ किया गया था, नेचुरल थिंग्स का यूज़ किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट भी होता है, ये लस्टर्स भी होता है और ईजिली वॉशेबल भी है। ये बहुत पॉपुलर है कपड़ों बनाने के लिए भी, मीन इसके बहुत सारे क्लॉथ बनते हैं। हम बहुत सारे आर्टिकल यूज़ करते हैं जो किससे बने होते हैं, नायलन से। जैसे आपके सॉक्स ले लीजिए, रोप्स ले लीजिए, टेंट्स ले लीजिए, टूथब्रश ले लीजिए, कार सीट बैग से लीजिए, स्लीपिंग बैग से लीजिए, कर्टन्स ले लीजिए, सब किसके बने होते हैं आपके, नायलन के। तो अगर आपने चेक करना हो कि ये नायलन के बने हैं तो आप इनको थोड़ा सा जला के देखिए जी, जैसे कोयला जलता है ना, मेल्ट होने के बाद ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं ये। नायलन जो है आपका वो यूज़ किया जाता है पैराशूट्स बनाने में भी, रोप्स जो आपके रॉक क्लिंबिंग में यूज़ होती हैं वो भी नायलन थ्रेड, जो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है स्टील वायर से भी। एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप एक आयरन स्टैंड लीजिए क्लैंप के साथ, एक कॉटन थ्रेड जो है 60 सेंटीमीटर का लंबा वो बांध दीजिए क्लैंप के साथ, ताकि वो हैंग लटकेगा ऐसा फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। और जो उसका फ्री एंड है, जो नीचे वाला फ्री एंड है उसका, उसके साथ आपने क्या करना है, एक ये सस्पेंड कर देनी है पैन। पैन इसलिए सस्पेंड करिए कि इसके ऊपर आप वेट रख सकें। आपने एक एक स्टेप करके आपने इसके ऊपर वेट रखते जाना है और अपने जो रीडिंग है उनको ऑब्जर्व करते जाना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से वेट पे जाके आपका ये जो थ्रेड है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। नोट कीजिए टोटल वेट कितना रिक्वायर हुआ थ्रेड को तोड़ने के लिए, ये वेट इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है इस फाइबर की। रिपीट कीजिए सेम एक्टिविटी, आपकी इस थ्रेड की बजाय आप कर सकते हैं वूल के साथ, पॉलिस्टर के थ्रेड के साथ, सिल्क के साथ या नायलन के साथ। और अपना जो डाटा है वो ऑब्जर्व हुआ है वो आपने लिखना है टेबल 3.2 में, और अरेंज करना है थ्रेड्स को उनकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये आपको टेबल दिया गया है, यहाँ पे आपने लिखनी है उनकी रीडिंग। आप इसकी जगह हुक भी यूज़ कर सकते हो आयरन स्टैंड की जगह, जहाँ नेल जो है दीवार पर टगा हुआ, और हैंगिंग कर दिए फाइबर्स को और पॉलिथीन बैग्स को दूसरे एंड पे, इन प्लेस ऑफ वेट्स। वेट्स अगर आपके पास नहीं है तो उनकी जगह मार्बल्स या पेबल्स सेम साइज़ के आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर रेयॉन एंड नायलन के जो नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जो किस एक फैब्रिक का बना होता है, और ये जो फैब्रिक होता है वो रिंकल नहीं होता ईजली, ये क्रिस्पी रहता है, ईजली वॉशेबल है, इसीलिए अच्छा सूटेबल क्या है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। पॉलिस्टर के बहुत अच्छे ड्रेस मटेरियल बन जाते हैं, आपने देखा होगा पीपल को वेयरिंग पॉलिस्टर की शर्ट्स या कुछ ड्रेसेस। टैलिन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, याद रखिए टैलिन भी आपका क्या है, एक पॉपुलर फेमस पॉलिस्टर है। इसको ड्रा किया जाता है फाइन फाइबर्स में, जिसको वोवन इजीली बुन के क्या किया जाता है, दूसरे यार्न जैसे दूसरे
वूल के यार्न बनाए जाते हैं, वैसे ही इस फाइबर्स के भी यार्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरेथैलेट, पॉलीइथिलीन टेरेथैलेट, ये भी फैमिलियर परफॉर्म है, फेमस है कि पॉलिस्टर है, ये यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इससे। अपने आगे पीछे देखिए, लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो किसके बने हुए हैं, पॉलिस्टर के बने हुए हैं। पॉलिस्टर एक्चुअली किसका बना हुआ है, इसमें भी रिपीटिंग यूनिट्स बने, केमिकल चेन बनती है को यूज़ करके यहाँ पर बनाया जाता है। कौन सा केमिकल यूज़ होता है, ईस्टर। ईस्टर को दोबारा बार बार इसकी चेन बनाई जाती है ज्वाइन करने के बाद। ईस्टर जो केमिकल हैं जो आपको फ्रूट की तरह स्मेल देते हैं, फैब्रिक जो हैं वो अपने नाम से ही बिछ जाते हैं, पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवुल हो गया, टेरिकॉट हो गया, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये मिक्स किए गए हैं, दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं, जैसे कि आपका पॉलीकॉट, ये मिक्सचर हो गया आपका पॉलिस्टर एंड कॉटन का, पॉलीवुल, पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर हो गया। हम वेयर करते हैं स्वेटर्स, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं विंटर में, इनमें से एक्चुअली जो है नेचुरल वूल से नहीं बने होते, लेकिन देखने में ऐसे रिजेंबल करते हैं जैसे आपके वूल से बने होते हैं। ये बने किसके होते हैं, एक अनदर टाइप का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे क्या कहा जाता है, एकाइलिक। जो वूल ऑब्टेंड होता है नेचुरल सोर्सेज से वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो क्लॉथ में इससे बनते हैं एकाइलिक से वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू वूल। ये अवेलेबल होते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स में। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, एफोर्डेबल होते हैं और ये पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। आपने ऑलरेडी परफॉर्म की है एक्टिविटी वन इन नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स की, 3.6 एक्टिविटी थी क्लास 7th में। आपने वहाँ से क्या ऑब्जर्व किया था, जब आपने सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया था आपने क्या फाइंड किया था वहाँ पर उनके बिहेवियर के बारे में, वो डिफरेंट थे किससे, नेचुरल फाइबर्स के। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर। एक्चुअली ये डिसएडवांटेज है, एक कमी है सिंथेटिक फाइबर्स की, ये क्लॉथ जो है कैच कर लेते हैं फाइबर ईजली और ये डिज़ास्टर होते हैं। जो फैब्रिक होता है वो मेल्ट हो जाता है, उसके बाद स्टिक कर जाता है बॉडी के साथ उस पर्सन की जिसने उसे पहना हो। तो इसीलिए हमें ऐसे कपड़े डाल के, ऐसे सिंथेटिक क्लॉथ डाल के हमें किचन में नहीं काम करना चाहिए या लेबॉरेटरी में नहीं जाना चाहिए। जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ किससे बनते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस से बनते हैं, यूज़ करके रॉ मटेरियल या पेट्रोलियम ओरिजिन जिसे क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, दैट इज रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एकाइलिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।